नमस्कार, मैं टी एस अनिल, मैं हैंडलर राजन जी यहाँ आए हुए हैं। मैडम जी, आपसे आप थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, अगर आप तकलीफ ना हो तो। जैसे इन लोगों ने, जो बिलाई वासियों ने आपका जो स्वागत किया, आपको कैसा लग रहा है और आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे? जी जी, मैं वही कहना चाहती हूँ, मैं इससे पहले भी रियलिटी शो गई हूँ, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा वाला स्वीकारना, इतना वेलकमिंग मैंने कभी नहीं देखा है। इवन सपोर्ट, जो वोट्स मेरे को मिले बहुत सारे, मुझे लगता है मेरे स्कूल वाले सब लोग, सब ने बहुत बिलाई के सभी एक एक वासियों ने मेरे को वोट दिए, इसके लिए मैं वो पोजिशन तक पहुँच पाई हूँ। नहीं, बिलाई वाले आपको आजकल कहते हैं कि बिलाई की बेटी है, बिलाई की शान बढ़ाया है, सबका सर ऊंचा किया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने कोशिश की है, तो उन लोग ने, वैसे मैं बहू बन के आई थी लेकिन उन्होंने बेटी बना ली है मुझे। अच्छा, ये बहुत अच्छा बात किया कि आप बहू से बेटी बन गई है, ये तो बहुत अच्छी बात किया है कि सभी लड़कियों को ऐसा ही मिलना चाहिए, बहू ना मान के बेटी माना जाए। और उनके साथ कुछ लोग और मैं इनसे जानना चाहूँगा, सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हुई, भिलाई वासियों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतनी वोटिंग करेंगे, तो वो सब के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो, धन्यवाद। और एक और शख्स है जिसको मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ग्रेट सपोर्टर। मैं क्या कहना है, अभी ये बहुत अच्छी अनुभव है कि हमारी बेटी बहुत मेहनत की है, उसकी मेहनत रंग लाया है, उसके लिए जो भी सपोर्ट किया, वोट दे के सहयोग दिया है, वो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे भी ऐसा सहयोग मिलने का उम्मीद कर लेता हूँ। आप लोग ना जो खुशियाँ यहाँ जा रहा, और यहाँ पे काफ़ी स्त्रियाँ भी आई हुई है, और मैं स्त्रियों से भी जानना चाहूँगा कि आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, और मैडम जी कुछ कहेंगे? मैडम, वी आर प्राउड ऑफ अवर अनिला एंड सी इज फॉर अस सुपर मॉम, फर्स्ट सुपर मॉम। तो बिलाई स्कूल सेक्टर 4 बिलाई, एस एन जे स्कूल के सुपर मॉम है और बिलाई के भी सुपर मॉम है। अच्छा, पूरा छत्तीसगढ़ का सुपर मॉम है, तो ये जो, अच्छा सुपर मॉल भी है, आगे का सुपर मॉल है वो मॉल के कारण ही सुपर मॉम बना है। जैसे आपका कुछ एक्सपीरियंस, जैसे आप वहाँ पर डांस में थे, लोग बाग वोट कर रहे थे, वहाँ जो बॉम्बे गया है वो स्टेज है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि लोग तो, अधिकांश लोग तो देखा नहीं है वहाँ के स्टेज, सिर्फ टीवियों में देखा है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपसे थोड़ा सा आप उसके बारे में संक्षिप्त में बताएँ। जी, जो रियलिटी शो होते हैं, सब लोग को ऐसा लगता है कि कैश दे के हम लोग तो ही एंट्री मिल सकती है, ऐसा वो कुछ नहीं होता है, जो आपका टैलेंट है वो टैलेंट बोलता है, तो जो टैलेंट था उसकी वजह से हम लोग वहाँ पहुँच पाए। वो अच्छा, टैलेंट के हिसाब से आपने पहुँचे, और कंपटीशन कैसा रहा? कंपटीशन बहुत टफ था, क्योंकि ले सब लोग सब में माहिर थे, स्पेशली मेरे लिए कॉम्पिटिटर जो थी वो सादिका खान थी, मुंबई की थी, क्योंकि मुंबई यूज़ टू, डांस के लिए वो जगह है, वो डांस के बेहतरीन लोग वहाँ पर है डांस के, तो उनके साथ मेरे लिए टक्कर था, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ये आप देख रहे थे अनिला राजन जी को, जो वहाँ से जो जीत के आया और यहाँ पे जो उनका सम्मान किया जा रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को।